हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा दे नहीं सकते हैं, यह हमारा जहां तक सवाल है, हम लोग ये नेचर ले रही है। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, यह नियत को यानी डेस्टिनी को भी मंजूर है। दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी तीनों यदि लाई जा सकती है तो भारत और अमेरिका मिलकर इस काम को कर सकते हैं। अमेरिका में यदि काम कर रहे हैं तो अमेरिका के प्रति भी निष्ठा में कहीं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। दगा देना हमारे चरित्र में नहीं है, धोखा देना हमारे चरित्र में नहीं है। हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा दे नहीं सकते हैं, यह हमारा चरित्र। हम लोग ऐसे देश के रहने वाले हैं, ऐसा देश जिसने कि सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम जिस देश में रहते हैं वही हमारा परिवार नहीं है बल्कि इस विश्व की धरा पर रहने वाले लोग, चाहे किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, सभी एक ही परिवार के संदेह के सदस्य हैं। जहां तक सवाल है, हम लोग ये नेचर ले रही है भारत और अमेरिका, ये बड़े पुराने रिश्ते हैं हम लोगों के। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, यह नियत को यानी डेस्टिनी को भी मंजूर है। मैं तो ये भी अब मैं डेस्टिनी की बात करता हूं। अभी बैठे थे आपके अम्बेसडर विनोद गुप्ता जी भी बैठे थे, तो वहां पर भी मैं डेस्टिनी की ही बात कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ये पहले से ही ये डेस्टिनी को मंजूर है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बराबर मजबूत रहने चाहिए और उसी डेस्टिनी के अनुरूप ही भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों के मिला जुला कर वह ताकत है कि भारत में, दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी तीनों यदि लाई जा सकती है तो भारत और अमेरिका मिलकर इस काम को कर सकते हैं। मुझे लगता है, और मैं तो यह कहूंगा कि हम भारतवासी हैं, आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करिए, भारत के प्रति निष्ठा रहनी ही चाहिए। लेकिन अमेरिका में यदि काम कर रहे हैं तो अमेरिका के प्रति भी निष्ठा में कहीं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। तभी जाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के लोगों के प्रति अच्छी धारणा बनेगी, भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। दगा देना हमारे चरित्र में नहीं है, धोखा देना हमारे चरित्र में नहीं है। हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा दे नहीं सकते हैं, यह हमारा चरित्र। यह हमें से जाना चाहिए सारी दुनिया को। हम लोग ऐसे देश के रहने वाले हैं, ऐसा देश जिसने कि सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम जिस देश में रहते हैं वही हमारा परिवार नहीं है बल्कि इस विश्व की धरा पर रहने वाले लोग, चाहे किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, सभी एक ही परिवार के संदेह के सदस्य हैं। होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश केवल भारत से गया है और कहीं किसी से।